Hey champs, I am Rakesh, under watching Coding Champs. तो गाइस फाइनली 8th सेम का शेड्यूल आ गया है। मैं कुछ दिन पहले वीडियो बना दिया था, 8th सेम को नोटिस जो आया था उसके बारे में वीडियो बना दिया था एंड आज शेड्यूल आ गया है। ठीक है, शेड्यूल आ गया है 8th सेम का। उसके साथ साथ जो सेकंड एंड फोर्थ सेम का एग्जाम चल रहा था उसमें जो सब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो गए थे, जिनका सब्जेक्ट कोड मेंशन नहीं था, उसको भी लेकर अपडेट आ गया है, नोटिस आ गया है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे हम आज के वीडियो में। ठीक है गाइस, उसके साथ साथ फर्स्ट एंड थर्ड सेम का जो एग्जाम होने वाला था उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा अपडेट देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है गाइस, तो गाइस इसलिए वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है आप सबके लिए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, पूरा एंड तक देखना, आखिर तक देखना, लास्ट तक देखना। और कुछ सुनने में नहीं आता यार, बस इसने भी काम चला लो। ठीक है, तो यार एंड तक देखना। ठीक है, तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को मस्त दबाओ। आप हमारे चैनल को विजिट करके देख भी सकते हो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो सारे चीज़ से अपडेटेड रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप एक बीपीटी स्टूडेंट हो देन डेफिनेटली यार पूछो मत, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को मस्त दबा लो। ठीक है गाइस, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस इससे पहले लाइक नहीं किया हो लाइक करो, शेयर नहीं किया हो शेयर कर दो। ठीक है, तो चले चलते हैं हम बिना डर के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मेन कंटेंट से आने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही ह्यूज थिंग है आप सबके लिए। ठीक है, अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप गेम खेलते हो, खेलो या ना खेलो, अगर आपका इंटरेस्ट है गेमिंग में देन हियर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं BPUT का कैंपस एम्बेसडर हूँ, कैंपस मैनेजर हूँ गेमर्स बैग की तरफ से। तो इसीलिए अभी एक इवेंट होने वाला है गेमर्स बैग की तरफ से गेम को लेकर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गेम को लेकर। तो यार मतलब आपका अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली देर इज ह्यूज चांस फॉर यू, क्योंकि मतलब डिपेंड नहीं करता आप कौन से गेम खेलते हो। मतलब आप अगर COD खेलते हो, COC खेलते हो, वैलोरेंट खेलते हो, फीफा क्रिकेट या फिर क्या बोल सकते हो WWE, मतलब जो भी सारा, ठीक है, लूडो, ठीक है, लूडो भी खेलते हो देन देर इज ऑल्सो चांस फॉर यू। तो यार बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का लिंक, जरूर फिलअप कर रहा हो उसको। एंड वन मोर थिंग इज, जब भी फिलअप करोगे तो BPUT जरूर मेंशन करना, ठीक है, क्योंकि मैं BPUT कैंपस मैनेजर हूँ गेमर्स वा की तरफ से। तो इसीलिए मैं अभी BPUT को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यार मतलब सिर्फ इवेंट ही नहीं होने वाला है। हाँ, वन मोर थिंग इज, इवेंट का जो प्राइजिंग है वो 50K से लेकर 1,00,000 तक होने वाला है, बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। जो भी गेम खेलते हो, इंटरेस्ट है, खेलो ना खेलो इंटरेस्ट है, कमेंटेटर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वेबिनार होने वाला है, गेम डेवलपमेंट होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर फिलअप कर लो उसको। ठीक है, तो अभी हम मेन कंटेंट पे आते हैं, बट उससे पहले उसको मतलब ध्यान से फिलअप करो एंड BPUT जरूर लिखना। ठीक है, BPUT मेंशन नहीं करोगे तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा, इसलिए जरूर BPUT लिखना। तो गाइज अभी हम बात करते हैं BPUT के एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो यार मैं बताना चाहता हूँ BPUT का जो 8th सेम का एग्जाम होने वाला था उसका शेड्यूल आ गया है। 8th सेम किसका होने वाला था, 1st सेम, 3rd सेम, 5th सेम, 7th सेम, चारों सेम है 8th सेम के लिए। तो यार मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड के लिए मैं एंड में बताऊंगा, बट अभी बताता हूँ 5th एंड 7th सेम के लिए। ठीक है, तो 5th एंड 7th सेम का एग्जाम होने वाला था उसको लेकर नोटिस आ गया था ऑलरेडी, बट शेड्यूल नहीं आया था। फाइनली शेड्यूल आ गया है, बट जो अभी मतलब आज एक नोटिस आया है कि 16 तारीख को एक नोटिस आया है, 16 तारीख को जो नोटिस आया है उसमें लिखा गया है कि जो आपका शेड्यूल है वो आउट हो गया है, बट उस शेड्यूल को लेके कोई भी नोटिस नहीं आया। ठीक है, मतलब शेड्यूल आपका मतलब PDF वगैरह में नहीं आया है, तो शेड्यूल को कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ 5th, 7th सबका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 5th का जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका होने वाला है, 7th का जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका होने वाला है, 5th एंड 7th में जिनका बैक है उनका भी होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बोला था थोड़ा कन्फ्यूजन है, 5th सेम का बैक एग्जाम अभी होगा या फिर बाद में, तो अभी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5th सेम एंड 7th सेम में अगर आपका बैक है, रेगुलर एग्जाम है, देन आप सबका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं शेड्यूल को चेक कैसे करना है। तो यार सिंपली आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा का लिंक, आपको मतलब जो नोटिस आउट हुआ है, दो नोटिस आउट हुए है उसके साथ साथ मतलब जो वेबसाइट में आपको चेक करना है शेड्यूल, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल फॉर्म को तो आपको ऑब्वियसली फिलअप करना है, क्योंकि अगर आप एक गेमर हो या फिर गेमिंग इंटरेस्ट है देन उसको फिलअप करना। उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ जो व्हाट्सएप का नोटिस एंड आपको कौन सी वेबसाइट में आपको जो शेड्यूल मिलेगा उसको लेकर नोटिस दे, सॉरी लिंक दे दिया हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ पर जाना है, सिंपली आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करोगे जैसे ही आपका मतलब BPUT.exam.in में आपका जो वेबसाइट है उसमें रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका पेज। ठीक है,
वो पेज पे जाने के बाद आपको सिंपली आपका मतलब ऑड सेमेस्टर 2021 को सिलेक्ट करना है, फिर आपका मतलब स्ट्रीम क्या है, बीटेक, बीफार्मा जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। सेम सिलेक्ट करने के बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जैसे क्लिक करोगे आपका सामने आपका कंप्लीट शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। डेट भी लिखा गया है, टाइमिंग भी लिखा गया है, सेटिंग भी लिखा गया है, सब्जेक्ट कोड भी लिखा गया है, सब्जेक्ट भी लिखा गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड को देख लेना, सब्जेक्ट कोड को देख के मैच कर लेना कब आपका एग्जाम है, तो उस हिसाब से आप कर लेना अपने आप, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। 5th सेम 7th सेम का डिटेल्स गया, ठीक है, जो मतलब शेड्यूल आया था उसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवन एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो जो 2nd and 4th सेम का एग्जाम अभी चल रहा था, डिस्टिंक्ट डाक एग्जाम जो चल रहा था, उसमें कुछ सब्जेक्ट कोड मिसिंग थे, ठीक है। सब्जेक्ट कोड जो मिसिंग थे, मैं आपको बोला था 2nd फेज में वो एग्जाम होगा, बट उसका मतलब 1st फेज खत्म होने के बाद उसका एग्जाम होने वाला था, बट जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें ऑड सेम को लेकर ऑलरेडी डेट मेंशन हो गया था, 20 दिसंबर में उनका एग्जाम होने वाला था ऑड सेम का, इसलिए जो 2nd फेज में आपका एग्जाम होने वाला था डिस्टिंक्ट डाक पेपर जो है उनका जो एग्जाम होने वाला था उसको शिफ्ट कर दिया गया है 18 जनवरी को, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो नोटिस आया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एक ही लिंक डाला हो, एक ही लिंक पर जाओगे तो आपका सारा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो एग्जाम होने वाला है 18 जनवरी को, तो अभी मतलब आपको वेट करना है, सिंपल और कुछ नहीं करना है। अगर आपका ऑड सेम चल रहा है तो ऑड सेम एग्जाम बिंदास से दो। इवन सेम जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट कोड मिसिंग हो गया था उसका एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, 18 जनवरी में होने वाला है, ठीक है। अभी जिनका ऑड सेम चलने वाला है ना 5th and 7th सेम का, उनका शुरू हो रहा है 28 दिसंबर से एंड खत्म होते होते 1 जनवरी हो जाएगा। तो 1 जनवरी में खत्म, उनका खत्म हो जाने के बाद आपका एग्जाम शुरू होगा, ठीक है, 18 जनवरी। तो गाइस इसके साथ साथ मैं आपको और भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे 1st and 3rd सेम के स्टूडेंट है, ठीक है, जो अभी 1st and 3rd सेम के स्टूडेंट है, तो यार आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होने वाला है, ठीक है। मतलब जो रेगुलर एग्जाम होने वाला है वो तो ऑब्वियसली 8 मार्च को शुरू होगा, बट जिनका बैक है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उनका एग्जाम भी मार्च को मतलब मोस्ट प्रोबेबली मार्च को होने वाला है, क्योंकि जब रेगुलर एग्जाम होने वाला है उसके साथ साथ ही आपको बैक एग्जाम कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मार्च को होगा, अभी उसमें टाइम है, तो अभी मतलब उसके बारे में मत सोचो, अभी जो अभी एग्जाम चल रहा है उसके बारे में सोचो। और एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि इतने लेट में क्यों हो रहा है, ठीक है, हमारा हर साल दिसंबर या फिर जनवरी में हो जाता है, बट इस साल इतना लेट क्यों, तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी COVID-19 की वजह से लेट हो गया, तो क्या कर सकते हैं, अभी लेट तो हो गया है, बट जो मतलब आप बोल रहे थे कि 4th सेम का भी अगर मतलब जिनका 3rd सेम है उनका 4th सेम शुरू होने में लेट हो जाएगा, तो लेट नहीं होगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा, थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि अगर सेमेस्टर गैप होता है ना, एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद बहुत सारा गैप मिलता है, फिर उसके बाद दूसरा सेमेस्टर शुरू होता है, तो जो गैप है ना उसको बहुत ही कम कर दिया गया है, वो गैप को बहुत ही कम कर दिया गया है, ये एग्जाम खत्म होगा फिर वो सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लेट नहीं होगा, थोड़ा लेट हो सकता है ऑब्वियसली, बट क्या करें, COVID-19 चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा मान के चलना पड़ेगा हमें। 1st सेम 3rd सेम का होने वाला है 8 मार्च को, ऑफलाइन मोड में हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 8 मार्च को कॉलेज खुल जाएंगे मुझे इतना लगता है, तो अगर कॉलेज खुल जाएंगे तो ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड में होंगे। 2nd 4th का जो डिस्टिंक्ट बैक पर है, जिनका सब्जेक्ट को नहीं था, उनका होने वाला है 18 जनवरी को। जिनका अभी एग्जाम होने वाला है 5th and 7th सेम रेगुलर एंड बैक, बोथ रेगुलर एंड बैक, उनका होने वाला है 28 दिसंबर से, ठीक है गाइस। तो जिनका भी एग्जाम होने वाला है ऑल द बेस्ट, एंड अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सियोरली कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, एंड आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है गाइस। पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को मस्ट दबाओ, ठीक है गाइस। एंड गूगल फॉर्म के बारे में जो बोल रहा था, अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है डेफिनेटली, ठीक है, आप गेम खेलते हो ना खेलते हो, अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा इतने से इंटरेस्ट है, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फॉर्म को फिलअप कर लो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है गाइस। चले चलते हैं हम आज के इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।